नमस्कार, मैं राज किशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम पोसेट एंड लेटिस सीखेंगे। आइए इस लेक्चर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सर्वप्रथम हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करना सीखेंगे, फिर पोसेट अर्थात पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को सीखेंगे तथा इसे हासे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यह सीखेंगे। पोसेट के डिफरेंट एलिमेंट्स निकालना सीखेंगे, लीनियर तथा वेल ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करना सीखेंगे, लैटिस क्या होता है तथा उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, अंत में विभिन्न प्रकार के लैटिसेस देखेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन समझते हैं। इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। दो स्टेप्स के बीच की लाइन यह दिखाती है कि ऊपर वाला स्टेप नीचे वाले स्टेप के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ हो सकता है। यह स्टेप्स के बीच में एक ऑर्डरिंग रिलेशन दिखाता है। यहाँ पर हर एक स्टेप दूसरे से रिलेटेड नहीं है, अतः यह एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई दो, अगर आप यहाँ पर हमने स्टेप्स लिए हैं या कोई एलिमेंट उसे आप कहें, कि वो आपस में रिलेटेड हों। कोई रिलेशन आर जो कि किसी सेट P में डिफाइन किया गया हो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा, यदि वह रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव हो। यहाँ जो सिंबल प्रीसीड का दिया गया है उसे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे। सेट P पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ पोसेट कहलाता है, यानी कि आप सेट और उसके साथ में जो रिलेशन आपने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लिया, इन दोनों को जब साथ मिलकर के आप कहेंगे तो उसे आप पोसेट कहेंगे। जब हम ए प्रीसीड्स बी लिखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ए ऑर्डर में बी से पहले आता है या ए बी के समान भी हो सकता है। जब A is not equal to B होगा तो A का ऑर्डर B से पहले ही होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर Z सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसके साथ रिलेशन जो हमने लिया है वह ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन लिया है। यह एक पोसेट है, अर्थात सेट ऑफ इंटीजर्स में रिलेशन आपने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू, यह रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव है। जबकि दूसरा सेट आप लें जेट और रिलेशन आप लें ग्रेटर देन, तो यह पोसेट नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखेंगे कि किसी पोसेट को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम को हासे डायग्राम कहते हैं। इसके लिए पहले हम किसी एलिमेंट का कवर डिफाइन करते हैं। यदि P कोई पोसेट हो तथा X, Y P के एलिमेंट्स हों तो Y X का कवर कहलाएगा, यदि Y X का इमीडिएट सक्सेसर अर्थात Y तथा X के बीच में कोई ऐसा Z नहीं हो जो X का तो सक्सेसर हो तथा Y को प्रीसीड करता हो। यदि हम कोई एलिमेंट तथा उसके कवर का पेयर बनाकर लिख दें तो वह कवरिंग रिलेशन कहलाएगा। हासे डायग्राम बनाने के लिए हम हर एक एलिमेंट का कवर निकालते हैं तथा कवर को एलिमेंट से ऊपर रखते हुए लाइन द्वारा दोनों को जोड़ते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिवाइड्स है, यहाँ पर आप देखें तो 6 2 और 3 का कवर है तथा 12 18 दोनों 6 के कवर हैं और 36 12 तथा 18 दोनों का कवर है। एलिमेंट्स को उनके कवर से मिलाने पर दिखाया गया फिगर हासे डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम किसी पोसेट के विभिन्न एलिमेंट्स को निकालना सीखेंगे। यदि कैपिटल एक्स एक पोसेट हो तथा कैपिटल ए उसका सबसेट हो, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लीस्ट एलिमेंट कहलाएगा। यदि स्मॉल ए कैपिटल ए के सभी एलिमेंट्स को प्रिसीड करता हो, इसी तरह ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा यदि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स स्मॉल ए को प्रिसीड कर रहे हों। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक सबसेट 2 3 6 अगर आप देखें तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट 6 है जबकि लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स, ए मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा यदि कैपिटल ए का कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए को प्रिसीड ना करे, इसी तरह ए मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा यदि कैपिटल ए के किसी भी एलिमेंट को ए स्मॉल ए प्रिसीड ना करे। फिर उसी एग्जांपल को देखते हैं तो सबसेट 2 3 6 का मैक्सिमल एलिमेंट 6 होगा जबकि मिनिमल एलिमेंट 2 तथा 3 होंगे। यहां ध्यान दें, यदि किसी सेट में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वही उसका मिनिमल एलिमेंट होगा तथा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वही उसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है यदि मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों तो वह लीस्ट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही होंगे। किसी सेट ए के लिए स्मॉल एक्स लोअर बाउंड कहलाएगा यदि स्मॉल एक्स ए के सभी एलिमेंट्स को प्रिसीड करता हो तथा स्मॉल एक्स अपर बाउंड कहलाएगा यदि कैपिटल ए के सभी एलिमेंट्स एक्स को प्रिसीड करते हो। लोअर बाउंड के सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। इसे GLB से भी आप नोट कर सकते हैं तथा अपर बाउंड्स के सेट का लीस्ट एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। इसे आप LUB से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर उसी एग्जांपल को देखें तो सेट 2 3 6 के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, अतः ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जबकि अपर बाउंड्स 6 12 18 और 36 हैं, अतः लीस्ट अपर बाउंड 6 होगा। लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, किसी पोसेट के दो एलिमेंट्स एक्स तथा वाई कंपेरेबल कहलाते हैं यदि एक्स वाई को प्रिसीड करे या वाई एक्स को प्रिसीड करे। यदि किसी पोसेट के हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हों तो वह लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। इसे टोटल ऑर्डरिंग भी कहते हैं। इंटीजर्स का सेट, यदि आप रिलेशन इसमें लेस देन इक्वल टू का लें तो यह लीनियर ऑर्डर या टोटल ऑर्डर कहलाता है। यहां पर हर दो इंटीजर्स आपस में कंपेरेबल हैं। कोई पोसेट वेल ऑर्डर्ड सेट कहलाता है यदि वह टोटल ऑर्डरिंग हो तथा उसके हर एक सबसेट के लिए लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। पॉजिटिव
इंटीजर्स का सेट लेस देन इक्वल टू रिलेशन के साथ वेल ऑर्डर्ड होगा, क्योंकि इसमें कोई भी यदि आप इसका सबसेट लें तो हर एक सबसेट के लिए लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जबकि यदि आप सारे इंटीजर्स को ले लें, यानी सभी इंटीजर्स का सेट आप लें, तो यह वेल ऑर्डर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके एक सबसेट यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स का सेट यदि आप लें तो उसके लिए कोई भी लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कई बार कंप्यूटेशन के उद्देश्य से पार्शियल ऑर्डर सेट के एलिमेंट्स को ऑर्डर देने की आवश्यकता होती है। अतः किसी पार्शियल ऑर्डरिंग को टोटल ऑर्डरिंग बनाने को हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में यदि आप देखें तो लीस्ट एलिमेंट से हमने ऑर्डरिंग शुरू की है, क्योंकि बी के दो इमीडिएट सक्सेसर हैं सी तथा डी, अतः सी तथा डी का ऑर्डर आपस में आप बदल सकते हैं। इस प्रकार हम दो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। आइसोमॉर्फिज्म, दो पोसेट्स पी तथा पी वन आइसोमॉर्फिक होंगे यदि दोनों के बीच में वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती हो तथा एलिमेंट्स का ऑर्डर प्रिजर्व हो, अर्थात यदि ए बी को पी में प्रेसीड करता हो तो एफ ए एफ बी को पी वन में प्रेसीड करता हो, जैसा कि यहाँ पर आप दो आइसोमॉर्फिक पोसेट्स देख रहे हैं। लेटिस, कोई पोसेट लेटिस कहलाता है यदि हर एक पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड तथा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम मीट भी कहते हैं, उसे एंड से डिनोट करते हैं, तथा लीस्ट अपर बाउंड को हम जॉइन भी कहते हैं, इसे और से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी सेट का पावर सेट सबसेट के रिलेशन के साथ यदि आप लें तो वह लैटिस होगा। लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि L कोई लैटिस हो तथा A, B, L के एलिमेंट्स हों, तो पहला A प्रीसीड्स A और B। इसे प्रूव करने के लिए हमें पता है कि A और B लीस्ट अपर बाउंड होता है तथा A और B दोनों से ऑर्डर में यह ऊपर होगा। अतः आप लिख सकते हैं कि A प्रीसीड्स A और B, क्योंकि A और B लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब है अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब हमेशा A और B से ऑर्डर में ऊपर है। डायरेक्ट आप डेफिनेशन से ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड, A एंड B प्रीसीड्स A। हमें पता है कि A एंड B ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, यह A तथा B दोनों से ऑर्डर में नीचे होगा, क्योंकि लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड का मतलब A और B दोनों से वह ऑर्डर पे नीचे होना है। अतः आप लिख सकते हैं कि A एंड B प्रीसीड्स A। थर्ड, A और B इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ A प्रीसीड्स B। यह बाई कंडीशनल है, अतः एक बार हम LHS को लेंगे तथा RHS प्रूव करेंगे, फिर RHS को लेकर LHS को प्रूव करेंगे। माना कि A और B इक्वल टू B, हमें पता है A प्रीसीड्स A और B डेफिनेशन के अनुसार, अतः यहाँ पर A और B इक्वल टू B रखने पर जो कि दिया हुआ है, हमें A प्रीसीड्स B मिलेगा। पुनः माना A प्रीसीड्स B, अर्थात B A के लिए अपर बाउंड है, क्योंकि
हर कोई एलिमेंट अपने आप का अपर बाउंड भी है, अतः बी स्वयं बी के लिए अपर बाउंड होगा। अब हम यह कह सकते हैं कि बी ए तथा बी दोनों के लिए अपर बाउंड है, क्योंकि ए और बी ए तथा बी का लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए ए और बी प्रीसीड्स बी। अब क्योंकि ए और बी लीस्ट अपर बाउंड है तो बी प्रीसीड्स ए और बी होगा। हमारे पास ए और बी प्रीसीड्स बी तथा बी प्रीसीड्स ए और बी अब हो गया। इन दोनों के यदि आप देखें और इसमें एंटीसीमेट्रिक लॉ का यदि आप प्रयोग करें, इन दोनों से हमें ए और बी इक्वल टू बी मिलेगा। इसी प्रकार हम बाकी की प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है, जब भी हमें दो किसी चीज़ों को इक्वल दिखाना है, जैसे कि पूर्व था कि ए और बी इक्वल टू बी, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसे ये दिखाना कि वह प्रेसीड करता है राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में जो आपको दिया गया है वह प्रेसीड करता है लेफ्ट हैंड साइड को। इस प्रकार से फिर इसमें आप एंटीसीमेट्रिक लॉ का प्रयोग करेंगे तो आपको मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम विभिन्न प्रकार के लैटिसेस देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कोई लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा यदि वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, अर्थात एक्स और वाई एंड जेड इक्वल टू एक्स और वाई ब्रैकेट में है एंड एक्स और जेड, तथा x एंड y और z ब्रैकेट में इक्वल टू x एंड y, ये आपने ब्रैकेट में ले लिया, और x एंड z। इसका उदाहरण यदि लें तो पावर सेट S, जहां S a b c हो, सबसेट के रिलेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा, जिसे आप स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं। बाउंडेड लैटिस, कोई लैटिस बाउंडेड होगा यदि उसमें ग्रेटेस्ट तथा लीस्ट एलिमेंट हो। सामान्यतः ग्रेटेस्ट एलिमेंट को 1 तथा लीस्ट एलिमेंट को हम 0 से डिनोट करते हैं। यदि x l का कोई एलिमेंट हो तो x और 0 इक्वल टू x, x और 1 इक्वल टू 1, x एंड 0 इक्वल टू 0 तथा x एंड 1 इक्वल टू x होगा। यहाँ पर 0 और 1 ध्यान दीजिएगा, 0 लीस्ट एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है और 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है। दिए गए अलग अलग पोसेट्स में 0 और 1 की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक लैटिस लेते हैं L 1 2 5 10, रिलेशन इसमें लिया है डिवाइड का, यह इस रिलेशन के साथ में बाउंडेड लैटिस बनाएगा। इसका यदि आप देखेंगे तो इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वह 10 है और लीस्ट एलिमेंट 1 है। कॉम्प्लीमेंट इन ए बाउंडेड लैटिस, यदि L एक बाउंडेड लैटिस हो तथा 1, 0 उसके ग्रेटेस्ट एवं लीस्ट एलिमेंट हो, तो किसी एलिमेंट x का कॉम्प्लीमेंट x डैश होगा यदि x और x डैश इक्वल टू 1 तथा x एंड x डैश इक्वल टू 0, अर्थात किसी एलिमेंट x का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको ऐसा एलिमेंट x डैश निकालना है जो इन दो दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। किसी एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तथा यह जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे। पूर्व के ही एग्जाम्पल को लें तो 2 तथा 5 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तथा 1 व 10 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, कोई बाउंडेड लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कहलाएगा यदि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता हो। उदाहरण के लिए पावर सेट PS, जहां S इक्वल टू ए बी सी हो, सबसेट के रिलेशन के साथ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है।
पूर्व की तरह ही यहाँ पर आप हर एक एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं। इस लेक्चर में हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, हासे डायग्राम, पोसेट की विभिन्न एलिमेंट्स, लीनियर तथा वेल ऑर्डर्ड सेट, लेटिस तथा उसकी प्रॉपर्टीज और विभिन्न प्रकार के लेटिसेस देखें। अगले लेक्चर में हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सीखेंगे।